सर्वप्रण आप सभी का स्वागत है हमारी एक और रिव्यू और एक वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ एक पोको के फ़ोन का जो कि है पोको C51। ठीक है, तो ये एक बजट फ़ोन होने वाला है जिसकी प्राइसिंग होने वाली है 6000 के अंदर ये फ़ोन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या इसमें हमें पूरा इसका स्पेसिफिकेशन देखने को मिलने वाला है, क्या कुछ हमें इसमें मतलब देखने को मिलेगा, तो सारा कुछ वीडियो में डिस्कस करूँगा। इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिए, वीडियो पर भी हमें बात कीजिएगा। चलिए मैं जब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, सो गाइस हम हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और देखिए मैंने अपने जो भी मतलब स्मार्टफोन है उसको पहले से अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में ओपन कर लिया है। ठीक है, तो ये जो फ़ोन होने वाला है ये मतलब आपको 6000 के अंदर ही मतलब बजट रेंज में मिलेगा मतलब। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ मतलब 6000 के अंडर में जो फ़ोन आने वाला है वो बता रहा हूँ। तो ये वही फ़ोन है, आप देख सकते हैं ये पोको का C51 है जो कि रॉयल ब्लू कलर में है। और सबसे बड़ी पहली बात, इसका प्राइस जो है वो काफ़ी कम है, मतलब 5500 इसका प्राइस आपको पड़ने वाला है। ठीक है, तो इसकी एक डिसेंट नंबर ऑफ रेटिंग है, तो इसी वजह से मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। और मतलब बजट में भी है, अगर आपका मतलब प्राइस मतलब आपका बजट 5500 के बीच में है तो 5500 में आपको ये आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसा ये फ़ोन आने वाला है अपन पूरा डिस्कस करते हैं। तो ये पोको का C51 फ़ोन है जैसा कि मैंने बताया रॉयल ब्लू कलर में है और इसमें आपको मिलने वाली है 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज। ठीक है, सबसे पहले फ़ोन का थोड़ा सा आपको लुक दिखा देता हूँ। तो ये पोको का है, ये देखिए ऐसा फ़ोन है, इसमें डिसेंट कैमरा दिया गया है, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, बैक में दिया है ना विद फ्लैश और काफ़ी अच्छी इसकी मतलब एक प्रीमियम फिनिशिंग के साथ है ये फ़ोन। अच्छा लुक है इसका, प्रीमियम ऐसे बोलते हैं साइड में कर्व फेसेस हैं और नोच वाला है, इसमें नोच दी हुई है ऊपर। ठीक है, और सेल्फी कैमरा भी है जो कि मिडिल में दिया है। तो फ़ोन काफ़ी अच्छा है, इसका लुक भी काफ़ी अच्छा है, रॉयल ब्लू कलर में है। और थोड़ा देखते हैं इसमें क्या कर दिया हमें। अब इसमें हमें जो मिलने वाला है मीडियाटेक का प्रोसेसर मिलने वाला है। ठीक है, तो मीडियाटेक का कौन सा प्रोसेसर मिल रहा है, मीडियाटेक का हीलियो G36 प्रोसेसर हमें इसमें देखने को मिलने वाला है। और एक और बड़ी बात इसमें भाई, हमें जो मतलब इसकी डिस्प्ले दी है, एक बहुत बड़ी डिस्प्ले इसमें हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो 6.52 इंच की मतलब डिस्प्ले मिल रही है, 6.5 इंच से भी ज़्यादा की इसमें हमें डिस्प्ले देखने को मिल रही है। सेंटीमीटर में बात करूँ तो 16.56 सेंटीमीटर ये होगी मतलब। ठीक है, तो काफ़ी एक बड़ी डिस्प्ले दी है। और एक और बात इसमें हमें जो है भाई, बैटरी भी काफ़ी बड़ी दी गई है, 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी जा रही है। तो भाई बैटरी आपको काफ़ी अच्छी इसमें मिल जाएगी और रियर फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे मैंने आपको बताया और 8 MP का डुअल AI कैमरा है। अब बताओ भाई, आपको इतना कम बजट में फ़ोन मिल रहा है उसमें आपको 8 MP का डुअल AI कैमरा भी दे दिया। ठीक है, इसमें 7GB की टर्बो रैम है, आप इसमें मतलब 4GB रैम तो पहले से आ रही है, 3GB रैम और एक्सटेंड कर सकते हैं, तो भाई इसकी रैम 7GB तक हो जाएगी। तो भाई फ़ोन कहीं से कहीं तक कुछ भी बुरा नहीं है, फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी दे दी हैं जो कि इस बजट रेंज में तो भाई मिलना मुश्किल ही है। और देख लीजिए इसमें हमें क्या मिलने वाला है, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है एंड्रॉयड 13 वो मिलने वाला है इसमें, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी मिल गया इसमें और कच्ची। अब यही फ़ोन जो है भाई आपको मतलब 6/128 GB में भी अवेलेबल है, वो भी अपन चाहें तो ले सकते हैं, बट इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बट अपन अभी इसी को देखते हैं, पहले इसका बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ये जो होने वाला है 4G फ़ोन होने वाला है। ठीक है, बस इसी रेंज में आपको ये है कि मतलब 5G फ़ोन मिलना मुश्किल है, तो ये फ़ोन 4G होने वाला है। ठीक है, तो आजकल वैसे भी 4G तो चलता ही है, तो 4G के हिसाब से ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया है। अब थोड़ा हम इसमें बात कर लेते हैं, इसमें हमें जैसे और क्या क्या चीज़ें इसमें मिलने वाली है। प्रोसेसर जो है मीडियाटेक का G36 है, ऑक्टा कोर है, CPU एंड क्लॉक अप टू 2.2 GHz इसकी स्पीड दी है। ठीक है, तो इतनी स्पीड तेज क्लॉक करेगा मतलब चलेगा। ठीक है, और 7GB की रैम है इसमें इंक्लूडिंग 3GB वर्चुअल रैम, मैंने इसे बताया 4GB तो इनबिल्ट रैम आ रही हो, 3GB रैम अपन एक्सटेंड कर सकते हैं वर्चुअल रैम को, तो इसकी रैम टोटल 7GB हो जाएगी। हम डिस्प्ले में बता दिया आपको, 6.52 इंच की लार्ज डिस्प्ले है जो कि HD+ डिस्प्ले होने वाली है और स्क्रैच रेजिस्टेंट डिस्प्ले आने वाली है, तो इसमें मतलब गोरिल्ला ग्लास की कोटिंग आएगी। ठीक है, तो जो कि क्या बोलते हैं स्क्रैच रजिस्ट करेगी। ठीक है, तो स्क्रैच आपके डिस्प्ले पर कभी नहीं आएंगे, वैसा ये डिस्प्ले होने वाला है। इसमें रियर फिंगरप्रिंट सेंसर है जैसे मैंने बताया आपको दिया है पीछे की ओर,
और यहाँ पे आपको 5 mAh की बड़ी बैटरी दी है। अब इसका चार्जर कितने वाट का होने वाला है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और देख लीजिए, जो इसका डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट होने वाला है वो होने वाला है 120 Hz का। तो एक काफ़ी अच्छा रिफ्रेश रेट यहाँ पे हमें दे दिया भाई, कि डिस्प्ले का रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमें देखने को मिलने वाला है। अभी डुअल कैमरा है 8 MP का, बाकी इसमें सारे कुछ मोड भी हमें दिए हैं। सेंसर दिया है f2.0 का, ठीक है। और यहाँ पे HDR मोड है, फोटो मोड है, वीडियो मोड है, पोर्ट्रेट मोड है, शॉर्ट वीडियो मोड है, टाइम स्लिप है, टिल्ट शिफ्ट मोड, सारा कुछ इसमें दे दिया है भाई। बहुत सारे मोड इसमें ऐसे ही दे दिए हैं। और बाकी मोर फीचर हमें देखना है तो भाई इसमें तो GPS वगैरह, GPS, APS और क्लोनेस और वियर्डू सब कुछ इसमें दिया हुआ है। 4 GB रैम तो है इसमें। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो इसमें ऑडियो जैक भी मैं देखने को मिलने वाला है, ठीक है। ये देखिए 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया है। डिवाइस इंटरफेस प्राइमरी टच स्क्रीन है, ये तो पता ही है भाई, ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं है। और यहाँ पे मैं अगर बात करूँ बॉक्स के अंदर में क्या देखने को मिलने वाला है, जो मतलब मोबाइल का बॉक्स आएगा उसमें पावर अडेप्टर होगा, सिम ट्रे इजेक्टर होगा और USB केबल होने वाली है। तो ये तीन चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और फ़ोन भी देख लीजिए, फ़ोन काफ़ी लाइट वेट है, उसका वेट जो है 192 ग्राम होने वाला है, मतलब 200 ग्राम का भी पूरा ये फ़ोन नहीं है। तो भाई 5.5 हज़ार की रेंज में ये फ़ोन है, साढ़े और अब तो कम से कम ही मिल जाएगा आपको 5.5 हज़ार का फ़ोन है। और आपको क्या चाहिए, कितनी सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे दे दी गई हैं। थोड़ी सी चीज़ें और मैं दिखा दूँगा आपको, यहाँ इसकी रेटिंग की बात कर लूँ तो भाई रेटिंग 5 में से 3.8 की एक डिसेंट नंबर ऑफ रेटिंग है इसकी, ठीक है। देखिए तो 40% लोगों ने इसको 5 स्टार दिया है और यहाँ पे 4 स्टार दिया है 23% लोगों ने। 23 और 46 अगर इन दोनों को जोड़ दूँ तो लगभग 69% लोगों ने इसको 4.5 की रेटिंग दी है। तो एक अच्छी रेटिंग इस फ़ोन की है। और थोड़ा सा मैं अगर बात कर लूँ इसमें, जैसे कि रेटिंग की बात तो हमारी हो चुकी है, वेट इसका काफ़ी लाइट वेट है। कलर जैसे मैंने आपको दिखाया रॉयल ब्लू है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर यही फ़ोन आप 6 GB और 128 GB रैम में लोगे तो कितने का पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, 500 रुपये और पड़ जाएंगे, वो पड़ेगा आपको 6000 रुपये का। तो अगर चाहें तो आप 2 GB रैम एक्स्ट्रा बढ़ा के ले सकते हैं और इसकी रैम फिर जो होगी एक्सटेंडेबल होगी 11 GB तक। वर्चुअल रैम इसमें आपको 5 GB मिल जाएगी, तो आप इसकी रैम को थोड़ा और बढ़ा पाएंगे, बाकी सारी चीज सेम रहेंगी। और स्टोरेज जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 64 GB था, अब 128 GB आपको स्टोरेज देखने को यहाँ मिल जाएगा। तो ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया होने वाला है इस प्राइस रेंज में बिल्कुल। अगर आप आपकी बजट इतना ही है 6000 के अंदर, तो ये दोनों जो हैं मैंने बताया 5.5 का है तो आप 4 GB वाला ले सकते हैं, और 6000 का बजट है तो आप ये 6000 वाला जो मॉडल है ये ले सकते हैं 6 GB रैम में। तो काफ़ी दोनों बढ़िया, मतलब फ़ोन दोनों ही बढ़िया हैं, ठीक है। फ़ोन का लुक मैंने आपको दिखा दिया है, रॉयल ब्लू कलर काफ़ी मस्त है, तो ये फ़ोन आप ज़रूर से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और ये वीडियो आप उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि अभी मतलब 6000 के बजट का कोई फ़ोन देख रहे हैं बाय करने के लिए, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो ज़रूर से आप ये मेरी वीडियो को उनको शेयर कीजिए ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और अपन मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, ठीक है, इसी तरह की एक और किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करते हुए, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पे बन रहिए, हम आते हैं अगली वीडियो में।